एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो I'm not Muslim. But he's, you're not Muslim. Hindu. I can hug you. Yes. Hindu, yeah? Yes. Hindu. Yeah, yes, I can hug you. I'm so happy I can hug you. Wow. बेसिकली हमारा जो हमारे साथ जो हो रहा है ना हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना वो हमारे साथ हो रही है गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है दिल तो मेरा ये करता है गुस्सा आता है बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दूं बस खत्म कर दे ये पूरे यूरोप में ये काम हो रहा है और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ा रहा यूएई एक इस्लामिक कंट्री है मंदिर बन रहे हैं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं क्या वजूहात है यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को हिंदूज को क्या वजूहात है हर बार बोलते कि हम में जज्बा बहुत है मुझे यही समझ नहीं आया जज्बा किस चीज का है और यही गणपति बप्पा मोरिया के जो नारे हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएई के अंदर देखे जा रहे हैं एक रील जो कि बहुत ज्यादा हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रही है वो ये आपके सामने मैं दिखा भी सकती हूँ दिस इज नॉट इंडिया दिस इज यूएई और गणपति बाबा मोरिया के जो नारे हैं वो यूएई में इतनी ऊंची आवाज से सुनाई दे रहे हैं हर तरफ चहल पहल है और बहुत ज्यादा जो ये मूर्तियां हैं वो नजर आ रही हैं यूएई एक इस्लामिक कंट्री है मंदिर बन रहे हैं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा हिंदूज जो हैं वहां पे अपने कल्चर और अपने रिलीजन को आम करते जा रहे हैं क्या वजूहात है यूएई बहुत प्रेफरेंस दे रहा है इंडियंस को हिंदूज को क्या वजूहात है मैम अनम ऐसा है कि हर एक धर्मों की खूबसूरती और हर एक धर्मों को पालन करने वालों को एक रिस्पेक्ट देने की जरूरत है हमारा अल कुरान भी लकुम दीनकुम वलयदीन कहता है कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो तो जब हमारा अल कुरान इस बात की इजाजत देता है और क्योंकि हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत फले फूले हैं बहुत बढ़े हैं मुसलमान अगर भारत में है तो भी सुकून से नहीं है मुसलमान अगर अमेरिका में तो भी सुकून से नहीं है मुसलमान अगर मुसलमान कंट्रीज में है तो भी सुकून से नहीं है तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों को मान लेते हैं कि भारत में हिंदूज हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है पर पाकिस्तान में तो ओनली 1% हिंदूज हैं और वो बेचारे तो ऐसे ही डरे सहमे रहते हैं वो तो बाहर ही नहीं निकलते हैं तो फिर वहां पर क्या प्रॉब्लम है यूएई ले लीजिए इराक की अभी मैंने आपको बात बताई ईरान की मैंने आपको बात बताई तेहरान की मैंने आपको बात बताई अफगान की मैंने आपको बात बताई खतर की मैंने आपको बात बताई तो जहां जहां पर मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर आप क्यों एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ रहे हैं मार रहे हैं काट रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं हमने 2 दिन बहुत खूबसूरत से गणेश चतुर्थी मनाई बहुत खूबसूरत से जो आपका पहला ही सवाल था तो जब हमने गणेश चतुर्थी मनाई तो भाई हम यहाँ पर भारत में रहते हैं हम भारत के सिविलाइजेशन को भारत की सभ्यता को भारत की संस्कृति को तो हम पालन करेंगे ही बिल्कुल करेंगे हम कोई इस्लामिक देश में तो नहीं रहते हैं हम अपने घर के अंदर अपना नमाज भी पढ़ते हैं हम अपने सूम सलावात भी पूरे करते हैं लेकिन साथ साथ हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है दिल तो मेरा ये करता है गुस्सा आता है बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दूं बस खत्म कर दे मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं इसलिए मैं कहता हूँ उनको बॉम्ब लेके ना मार दे फाड़ दे इनको इतने जहरीले और खतरनाक ख्यालात जी आपका क्या ख्याल है इंडिया को लेके जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उनपे क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते अच्छा
अच्छा ये बातें आपको किसने बताई हैं, आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आज गुस्सा आ जाता ना, जैसे दिमाग है, दिमाग से। दिमाग से कैसे, कहीं तो देखा होगा, सुना होगा। मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता। हाँ। अच्छा हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते। ऐसे तो कोई वजह नहीं ना होती कि एक चीज या एक मुल्क आपको अच्छा ना लगे, कोई तो वजह होगी किसी के अच्छा ना लगने, किसी ने सिखाया हो, पेरेंट्स ने बताया हो, स्कूल आप जाते हो आपकी टीचर ने बताया हो। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये कुरान पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं, ये मुसलमानों पे करते हैं, यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या। हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ है। एक अपना अपना मजहब है ना, हम मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नफरत तो नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं जी? ये मुसलमानों पे जुल्म बहुत करते हैं, इसलिए हमको गुस्सा जाता है। तो इनको साल में खत्म, मुसलमान बनना चाहिए, अच्छे लोग बनना चाहिए, कि किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमान हो जाएं? जी। क्यों, वो क्यों मुसलमान हो? ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं साल में, उसको मंदिर में पूजा करते हैं, ये ऐसे कोई काम नहीं, अल्लाह एक ही है, सबका पैदा करने वाला वही है, कुरान पाक करे पूजा छोड़ दे। अच्छा फिर मेरा वही सवाल, कहाँ से आई ये इतनी बातें आपके दिमाग के अंदर? ये बस दिमाग, जब वो आते ना सामने गुस्सा आ जाता है, इंडिया का जब नाम सुनते हैं हम टीवी में तो हमको गुस्सा आ जाता है। अच्छा अगर कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाना चाहोगे? नहीं। और आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो कहते कि जाके इंडिया के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो कर देंगे जब भरे थोड़े से हो रहे हैं, अभी चले जाए, अभी जाएंगे तो मारे जाएंगे ना, बैग में बॉम्ब लेके जाऊंगा ज्यादा सारे। ओ भाई तू तो चलता फिरता एटम बॉम्ब है, मुझे तो लगता है यहीं पे फट जाएगा। इंडी पर ब्लास्ट कर देना, सबको मार देना है, या मुसलमान बन जाए। अच्छा। या एक काम मुसलमानों को मारना छोड़ दे, ये दूसरा काम कुरान पाक पढ़ने लग दे। अच्छा ये पूज मंडी में अगर आप इस तरह की खौफनाक बातें करोगे तो वो कभी भी ना तो इस्लाम कबूल करेंगे, ना ही कभी कुरान पाक पढ़ेंगे, ना ही कभी मस्जिद के अंदर जाएंगे। देखिए हमारा इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करोगे वो तो डर जाएंगे। डरना तो है, उन्होंने कहे बच्चे कह रहे हैं तो फिर वो जैसे भरे हो जाएंगे क्या करेंगे आके। अच्छा। तो जैसे बॉम्ब की बात सुनिए, बॉम्ब सब मंदिर में पूजा को बचाना है आपने आपको, जैसे वो मंदिर में जाते हैं ऐसे करते हैं, टिंटिंग करते हैं, ये करना भी वो उनको बचाएंगे, अपने आप को बचाएंगे, ये बताएं भागने की वहां से करेंगे या मंदिर को देखेंगे। I'm not Muslim. But you're not Muslim. I can hug you. Yes. Hindu, yeah? Yes. Hindu. Yeah, yes, I can hug you. I'm so happy I can hug you. Wow.